Hello friends, welcome back to my channel English Star Classes। So, मैं इस वीडियो में आपको एक पोएम समझाने जा रही हूँ जिसका नेम है माई मदर एट 66। ये पोएम किसने लिखी है? कमला दास पोएट है, उन्होंने लिखी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जब पोएट कहाँ जा रही थी? अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही थी। कोचिंग प्लेस का नेम है। वहाँ से वो लास्ट फ्राइडे, यानी कब की बात करी जा रही है? फ्राइडे मॉर्निंग की बात करी जा रही है। ये अपने घर से कहाँ जा रही थी? तो एयरपोर्ट। यहाँ पे कह रही है कि जब वो ड्राइव करके कहाँ जा रही थी? एयरपोर्ट जा रही थी। उनके साथ उनकी मदर भी गई थी, जो कि उनके बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। डोज मतलब एक झपकी ले रही थी वो। ओपन माउथ था। जैसे एजड हो जाते हैं लोग तो उनको जब वो सोते हैं तो उनका जैसे फेस, जो माउथ है एक्चुअली, खुला रहता है। तो द सेम थिंग वॉज विद हर मदर। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब यहाँ पर उनके फेस की बात करी गई है। हर फेस एशन मतलब कलरलेस होना। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे कॉर्प्स होते हैं, कॉर्प्स यानी डेड बॉडीज़ होती हैं, तो उनका जैसे पूरा डल हो जाती है किसी की डेथ के बाद उसकी डेड बॉडी। तो कंपेयर करा गया है, पोएट ने कंपेयर करा है अपनी मदर का फेस किससे? विद दैट ऑफ अ कॉर्प्स। मतलब उनकी जो यंग यूथ में उनका जो फेस था बहुत यंग था, एक्टिव था, बिल्कुल उसका उल्टा हो चुका है। उनका फेस बहुत पेल लगने लगा है और लाइफलेस लगने लगा है, जैसे कि डेड बॉडी होती है। हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स में एक पोएटिक डिवाइस भी यूज़ करा गया है जिसका नेम है सिमिली। And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तो इस पैराग्राफ में पोइट ने कहा है कि जब उन्होंने रियलाइज़ करा कि उनकी मदर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं और अब वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, तो उनको ये जो डिस्टर्बिंग थॉट आया था उसको हटाने के लिए शी पुट दैट थॉट अवे। वो बाहर देखने लगी। कहाँ बाहर देखने लगी? कार से ड्राइव करते हुए वो बाहर देखने लगी। तो बाहर उन्होंने दो चीज़ें नोटिस करी। एट द यंग ट्रीज प्रिंटिंग। अभी ट्रीज प्रिंटिंग का मतलब क्या है? स्प्रिंटिंग मतलब ऐसा लगता है बहुत तेज़ कोई दौड़ रहा है। यहाँ पे ट्रीज प्रिंटिंग क्यों कहा गया है? जैसे कि हम लोग जब कार में बैठते हैं, हमारी पोजीशन कैसी होती है? हम चल रहे होते हैं। तो हमें जब ट्रीज़ को देखते हैं तो ऐसा लगता है ट्रीज़ भी क्या कर रहे हैं? दौड़ते हुए दिखते हैं। दैट सीम टू बी रनिंग। तो यहाँ पे बताया गया कि ट्रीज़ क्या थे, यहाँ पे क्या बताया गया कि ट्रीज़ स्प्रिंटिंग। ऐसा लग रहा था कि वो लोग दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। या नॉर्मल सी बात है, पता चल जाता है। जैसे कार में बैठे हैं जब देखने लगते हैं, तो जब हम लोग पोजीशन में होता है जो कांस्टेंट चीज़ होती है वो ऐसा लगता है दौड़ रही है, तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो देखने लगती हैं। फिर क्या देखती हैं वो? द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स मतलब कि अपने घर से बाहर निकल रहे थे। और जो पोएट है वो देखती है कि बहुत बच्चे खुशी से बाहर अपने घर से निकल रहे हैं खेलने के लिए। ये चीज़ें उसको रिमाइंड करा रही थी उसकी पास्ट के बारे में। क्या पास्ट के बारे में? द यंग ट्रीज प्रिंटिंग रिप्रेजेंट कर रहा था कि टाइम कितनी जल्दी पास होता है। और जो चिल्ड्रन थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे यंग यूथ्स, रिप्रेजेंट कर रहे थे जो कि पूरी तरह लाइफ और एनर्जी से फिल होती है। और जो उसकी मदर उसके बगल में बैठी थी उनके बिल्कुल कंट्रास्ट था। कंट्रास्ट मतलब अपोजिट था। उनकी मदर बहुत ज़्यादा एजड हो चुकी थी और जो चिल्ड्रन थे जो बाहर थे वो क्या थे? यंग थे। एक और चीज़ नोटिस करिए, यंग ट्रीज प्रिंटिंग भी बोला गया है एंड मैरी चिल्ड्रन बोला गया है। तो दोनों उसके मूड से बिल्कुल कंट्रास्ट थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड एट हर अगेन वॉर्न पेल एज लेट विंटर्स मून। जब ये एयरपोर्ट पहुंच गए, जब वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा था, तब उसने अपनी मदर को दोबारा देखा जो कि कुछ डिस्टेंस पे खड़ी हुई थी। आई लुक्ड एट अगेन, लुक एट हर अगेन। उन्होंने अपनी मदर को दोबारा देखा। वैन, यहाँ पे वैन मतलब क्या होता है? पेल। वैन मतलब डल। पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब उन्होंने अपनी मदर को किससे कंपेयर करा है? लेट विंटर मून से। लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर करा गया है? क्योंकि जब जैसे विंटर होता है तो विंटर्स में मून कैसा दिखता है, एकदम पेल दिखता है, उसकी जो ब्राइटनेस होती है ऐसा लगता है कि वो जा चुकी है, डल लगता है। सेम उसकी मदर का फेस भी वैसा ही लग रहा था, और उनकी मदर का फेस भी क्या था, ओल्ड था, काफ़ी पेल दिखने लगा था और वो काफ़ी वीक हो चुकी थी। लाइक एज अ लेट विंटर मून, यहाँ पे सिमिली यूज़ करा गया है। एंड बाकी जितने भी पोइटिक डिवाइस इन्हें कहते हैं, तो पोइटिक डिवाइस जितनी पूरी पोएम में है मैं आपको एकदम एट द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर मैं बता दूंगी। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ। And felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो जब उन्होंने ये सब चीज़ें उनका देखा, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है मदर, तो उससे अपना जो पुराना बचपन का दर्द था, जो चाइल्डहुड फियर था, मतलब बचपन का डर किस चीज़ का, कि वो अपनी मदर को खो ना दें, तो वो दोबारा से वो उनके मन में आ गया था। और उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से हाइड करी अपनी मदर के सामने। क्या कैसे हाइड करी, उन्होंने स्माइल करके उस बात को हाइड करा, अपने इमोशंस को, अपने जो बहुत डिस्टर्बिंग थॉट्स थे उनको हाइड करा, और अपनी मदर को कहा सी यू सून अम्मा, मतलब मैं आपसे दोबारा मिलेंगे माँ, अम्मा, जो कि कहा जाता है। तो उनका बचपन का डर था, और साथ ही साथ जो उनका फियर था और जो इमोशंस थे, उनके डिस्टर्बिंग थॉट था, उनका उन्होंने कैसे हाइड करा, अपनी स्माइल के पीछे हाइड करा। और उन्होंने अपनी मदर को सिर्फ इतना कहा, सी यू सून अम्मा, बिकॉज वो होप कर रही थी अपनी मदर से वो दोबारा मिल सकें। एंड शी केप्ट ऑन स्माइलिंग। टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पूरी पोएम में, तो सिमिली दो चीज़ों में यूज़ करा गया है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स वाली लाइन में, दूसरा है पेल एज अ लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट रिपीटिशन किसका, थॉट अवे, कॉमा स्माइल स्माइल स्माइल। अब हमें कैसे पता चला कि रिपीटिशन है? रिपीटिशन में क्या होता है कि या तो फर्स्ट वर्ड जो होता है, फर्स्ट वर्ड का जो लेटर होता है वो सेम होता है, या पूरा वर्ड सेम होता है। तो जो मैंने एग्जाम्पल ये पूरे पोएम में थे वो बताए, तो उसमें था थॉट अवे दो बार बोला गया, इसलिए यहाँ पे इसको हमने रिपीटिशन में डाल दिया। दूसरा इसमें एग्जाम्पल था स्माइल एंड स्माइल, तो पूरा वर्ड सेम है, स्माइल स्माइल स्माइल, इसलिए आपका रिपीटिशन बन गया। थर्ड यहाँ पे बोला गया यंग ट्री स्प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, विंटर्स मून। तो इसमें अब ये ध्यान दीजिएगा कि विंटर्स मून बोला गया सिर्फ, अगर एज अ लेट विंटर मून आ जाएगा तो हमारा वो सिमिली बन जाएगा, और अगर सिंपली विंटर्स मून आ जाएगा तब ये इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस लगेगा, सिंबल लगेगा। सिंबल पोएटिक डिवाइस यूज़ करा गया, या इमेजनरी कह सकते हैं। सो ये पूरी पोएम फिनिश हो चुकी है, जिसके बारे में पूरा बताया गया था। और ट्रीज प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ करा गया है। So if you guys like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel.